ये वजनाबाद जंक्शन है, इसे हम वजनाबाद जंक्शन पे जा रहे हैं। टिकट का पता करना है और ये भी पता करना है गाड़ी कब आनी है, तो भी कल जाके वो पता करते हैं। बच्चा मुझे मिला स्टेशन पर, क्या कर रहे हो? ये कबाड़। कबाड़? तो स्कूल नहीं जाते आप? नहीं। क्यों? यार हम कबाड़ चक्कर। नहीं, स्कूल क्यों नहीं जाते? अब मैं अबू फोत हो गया। अबू फोत हो चुके हैं तो आप स्कूल इसलिए नहीं जाते? काम करते हैं। घर किधर है? घर पुलों के साथ। पुल के साथ तो गुजारा कैसे होता है? आपका भाई भी नहीं काम करता, आप अकेले करते हो? खुद कमाई करते हैं, हम 200-300 रुपए कमाते हैं, हम घर वास्ते ले जाते हैं। अच्छा, घर वास्ते। तो बड़ा भाई वो कमाते नहीं है? नहीं कमाते। अगर कमाए तो खुद खा जाते हैं। तो आप कोशिश करो स्कूल भी जाओ और साथ कोई काम भी करो। हम किधर जाओ? बस जाओ। ऐसी बात है यार, फिर मैं पास भी जाओ। अगर मैं कमाई करो नहीं, हम स्कूल जाओ तो मैं कहते हैं ओ 3 दिन खाना खाते हैं मेरे अम्मी। अच्छा, तीन टाइम मेरे अम्मी खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने टोटल कितने बहन भाई हो? 2 बहन है। अच्छा, तो बड़ा भाई है, 4 भाई है। वो तीनों बड़े हैं तुमसे? तीनों बड़े। तुम छोटे सबसे? घर का इंतजाम तुम खुद चलाते हो? खुद। तो अपने भाई को भी बोलो यार कुछ किया करो। हम बोलते हैं ओ तू बस इधर बैठ। अच्छा, वो कुछ नहीं करते? ये जी मेरे साथ है ये लड़का, क्या नाम है आपका? याकूब खान। ये चकवाल से है, अबू इनके फौत हो चुके हैं, बड़े भाई कोई काम नहीं करते, ये खुद ही करता है। मैंने इसे बोला कि तुम पढ़ते क्यों नहीं, तो फिर इसने मुझे बताया कि मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे भाई काम नहीं करते, तो घर वालों को भी मैं ही सारा खर्चा उठाता हूँ। तो मैं भी फिर चुप हो गया कि मैं अभी इसको क्या बोलूँ, कैसे ये पढ़े, कैसे गुजारा करे। अल्लाह पाक इन सब लोगों की मदद करे, मेरी तो यही दुआ है। ठीक है याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपने जो। ओके।